हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नए तरीके का नाश्ता, पोहा, कुरकुरे, पकौड़ा। तो बनाइए आप, और सभी को पसंद आएगा। और एक नए तरीके का रेसिपी, एक ही खा के नाश्ता बोर हो गए हैं, तो आप बनाइए और देखते हैं इसमें क्या लगता है। ये मैंने लिया है ऑयल फ्राई करने के लिए, और ये मैंने लिया है आधा कप पोहा, और ये मैंने लिया है एक कप बटाटा, मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। मैश करके ये आधा कप है, एक कप है। और आधा कप हम लेंगे पुदीने का पत्ता, उसे अच्छे से मैंने धो के साफ करके बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा पानी लेंगे, और ये मैंने मैदा लिया है आधा कप से थोड़ा कम है, नमक स्वाद के अनुसार, और एक टेबल स्पून मैंने लिया छोटा जीरा, उसे भून लिया है मैंने और पाउडर बना लिया है। मिर्ची लिया है मैंने एक टेबल स्पून बारीक कट करके, और एक नींबू का रस लिया है मैंने। ये पोहा को हमें पाउडर बनाना है, इसे पीस लेना है मिक्सी में, तो मैंने पीस के पाउडर बना लिया है पोहे का। इसको अच्छे से साफ करके मिक्सी में डाल के पाउडर बना लेना है, तो मैंने बना लिया। तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, और उसमें हम बटाटे को निकाल लेंगे जो हमने मैश किया है, पटेटो, आलू को, और उसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, हरी मिर्च, आप मिर्च कम भी ले सकते हैं, और नींबू का रस और पुदीना। और नमक डालेंगे, और पुदीना को मैंने ज़्यादा नहीं वो किया है, दो तीन एक उसमें कट कर लिया है, बड़ा बड़ा थोड़ा छोटा हो लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। हाथों को आप अच्छे से धो लीजिए, कुछ भी हाथों से अगर मसलते हैं तो हाथ को वॉश कर लीजिए। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये मैंने आलू को अच्छे से मसल, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी क्या करेंगे, हम इसमें एक छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे हम बॉल्स बनाएंगे। ऐसे करके बॉल्स बना के आप रख लीजिए। तो ऐसे करके सारे मैं बना लूंगी बॉल्स, ऐसे करके सारे बॉल्स हम बना लेंगे। तो ये मैंने सारे बॉल्स बना लिए, और इसको हम साइड में रख देंगे। और अभी हम मैदे का घोल बना देंगे, इसमें हम डालेंगे मैदा, और मैदा कम ज़्यादा घोल में लग सकता है तो आप उसी हिसाब से ले लीजिए। और इसमें हम पानी डाल के गाढ़ा घोल बनाएंगे। और इस होली पे बनाइए, जब मेहमान आए तो आप सारा रेडी करके रखिए फ्रिज में, बॉल्स बना के रख दीजिए, बटाटे का घोल बना के रख दीजिए, और उसके बाद में आप गरम करके तेल तुरंत फ्राई करके दे सकते हैं, और बहुत अच्छा टेस्टी नाश्ता होता है, तो ज़रूर ट्राई करें आप। तो इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी, और गाढ़ा घोल हम बना लेंगे। तो ये मैंने गाढ़ा घोल देखिए बना लिया है, एकदम स्मूथ। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। और ये ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। और अभी क्या करेंगे, जो हमने बॉल्स बनाए हैं और ये जो घोल है, और गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, तो क्या करेंगे, अभी जो ये बॉल्स है इसके अंदर डालेंगे हम मैदे में, और जो हमने ये पोहा का पाउडर बनाया है एक प्लेट पे हम उसे निकाल लेंगे और फैला देंगे।
और ऐसे करके हम बॉल्स इसमें डालते जाएंगे और ऐसे करके हम कोट कर लेंगे अच्छे से मैदे में, और एक्स्ट्रा जो मैदा वो निकाल देंगे और इसे ऐसे इसमें हम लपेटते जाएंगे। ऐसे करके सारे बॉल्स को हम डालते जाएंगे और लपेटते जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। और इसको हम इसमें अच्छे से लगा देंगे, इस पर जो हमारा पोहा का पाउडर है वो अच्छे से इसके ऊपर लग जाना चाहिए। तो ऐसे करके हम सारे बना लेंगे और ऐसे पोहा में इसे कोट कर देंगे। तो ऐसे करके मैं सारे बना लेती हूँ। तो ये मैंने पकौड़े बना लिए हैं, तो इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया है और इसमें हम डालते हैं पकौड़े को और मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे। तो ये मैंने पकौड़ों को डाल लिया है, तो इसे पकने देते हैं, फिर पलटी मारेंगे। तो ये पक गया है, इसे हम पलटी मार लेंगे और हर साइड से अच्छे से पका लेंगे। तो ये पक गया है, देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे और दूसरा ऐसे ही बना लेंगे मैं। तो अभी हम बाकी भी पकौड़े डाल के बना लेंगे। और जो पोहे का पाउडर होता है वो अच्छे से आप बारीक पेटम बनाएं, पीसें यदि पीसते हैं तो। फ्रेश करके मैं सारे डाल लेती हूँ और बना लेती हूँ। तो ये मैंने फ्राई कर लिए हैं सारे पकौड़े, मैंने बना लिए हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। तो ये मैंने एक डिश में निकाल लिया है, केचप और पुदीने की चटनी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने मिर्ची फ्राई करके रख लिया है। और बनाइए आप, तो ये हमारा पोहा कुरकुरे पकौड़ा बन के तैयार है। और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएँ। और देखिए बहुत क्रिस्पी और क्रंची पकौड़ा बना है, तो ज़रूर बनाएं आप। और फिर से मिलती हूँ नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।